further discussion on the Constitution, Schedule Tribe Order, Second Amendment Bill 2022. Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमिलनाडु की जो दो जातियां हैं, नरिको रावन और कुरु विकरण, इन दोनों को सिलुल ट्राइब में लाने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं. इस पार्लियामेंट में जब भी शेड्यूल कास्ट में कोई अमेंडमेंट की बात आती है, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की या शेड्यूल ट्राइब में, तो मैं हमेशा देखता हूं कि सांसदों की जो इच्छा है वो उनको लगता है कि छोटा बिल है, क्या बिल है, इस पर क्या चर्चा होना है, और संख्या चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, मैं हमेशा देखता हूं कि उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता. लेकिन हम सभी जब चुनाव लड़ने जाते हैं सर, तो जाति इस भारतीय समाज की एक रियलिटी, वास्तविकता है, और जाति के आधार पर ही मैक्सिमम वोटिंग पैटर्न है, वोट होता है. मोदी जी की बात अलग है कि उनके नाम पर जो है सारी जातियां टूट जाती हैं, लेकिन इसके पहले, इसके बाद या इसके बाद जो कुछ भी होना है, तो इसीलिए इस बिल के बारे में मेरा हमेशा से मानना है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर. जिन जातियों को आजादी के 75 साल बाद उनका हक मिल जाता है, आप उनके घर में समझिए कि कैसी होली दिवाली मनती, और 75 साल से जो जातियां आज तक एक्सक्लूडेड हैं, उनके यहां कैसी समस्या होती होगी यदि उनके बारे में देखेंगे. और जब भी ये चर्चा हुई, मैं 2009 से जब से यहां सांसद बना हूं, कोई ऐसी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की चर्चा नहीं हुई जिसमें कि मैंने भाग नहीं लिया. और मेरे भाग लेने के पीछे रीजन है सर, 75 साल के शासन व्यवस्था में कांग्रेस को वर्षों तक शासन चलाने का मौका दिया जनता ने. 1950 के पहले मैं एक कागज लेकर आया हूं 1935-36 में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नोटिफिकेशन कैसे हुआ, ब्रिटिश काउंसिल ने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का नोटिफिकेशन कैसे किया. और लगभग जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, तो 1947 के बाद से लेकर 1950 तक जो 35 और 36 का जो नोटिफिकेशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, सब कुछ उसने उसी तरह से डाल दिया. और 1950 में जब ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो वही नोटिफिकेशन एग्जैक्ट चले आए. इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और यह तय हुआ कि जो नोटिफिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है उसमें काफी लूपहोल्स हैं. और 1956 में इन लोगों को कमेटी बनाने की बड़ी आदत है, कमेटी बनाई सर, कालेलकर कमेटी 1956 में. और कालेलकर कमेटी ने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए कि ऐसी ऐसी जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, इनको जोड़ना चाहिए. उस कमेटी से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो 1965 में जो उस वक्त के जो सेक्रेटरी लॉ थे लोकुर साहब, मदन एल लोकुर, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी कि तुम एक ऐसा लेजिस्लेशन लेके आओ जिस लेजिस्लेशन के आधार पर इंक्लूड भी हो जाए, एक्सक्लूड भी हो जाए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल के आधार पर हम जो लूपहोल्स रह गया है 1950 में नोटिफिकेशन में, वो हम कर पाए. उसकी रिपोर्ट आ गई और 1967 में इसी पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ. उस वक्त क्योंकि ये जो ट्राइबल मंत्रालय है सर, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि ये सारा जो सोशल जस्टिस का पार्ट था, ये चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, वो जो शेड्यूल कास्ट का पार्ट था सोशल जस्टिस मंत्रालय का, वो ट्राइबल मंत्रालय उन्होंने अलग कर दिया, इसीलिए ट्राइबल का बिल अलग आता है, लेकिन उस वक्त एक सोशल जस्टिस मंत्रालय ही था. वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ
1967 में, 2 साल लग गए सर। तो पार्लियामेंट है, हम लोग बहुत यहां सोचते हैं कि हम यहां जो बोलते हैं उसका बहुत मतलब होता है। जेपीसी बन गई, जब जेपीसी, क्योंकि सभी चीजों में, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे आज कांग्रेस अपोजिशन में हो, सबको लगता है कोई भी मुद्दा हो जाए जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, जैसे लगता है कि जेपीसी का बहुत बड़ा काम हो जाता है। उस वक्त भी हंगामा हुआ कि जेपीसी बनाओ, और 1967 में उस बिल इंट्रोडक्शन के बाद एक जेपीसी बना, और जेपीसी को कांग्रेस के तत्कालीन मेंबर थे A.K. चंदा साहब, उन्होंने लीड किया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस थी उस बिल के लिए कि उस वक्त के हम लोगों के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे सुंदर सिंह भंडारी साहब, वो भी इस कमेटी के मेंबर हुए। मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि जनसंघ, उस जमाने में भारतीय जनसंघ थी, कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शुरू से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी चिंतित रहती है। और हमारे यहां कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए जिन्होंने कि काफी चीजों का विरोध किया, और हम लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, कार्तिक उराव साहब। कार्तिक उराव साहब भी उस जेपीसी के मेंबर हुए, और 1969 में जेपीसी की रिपोर्ट आई है सर। और जेपीसी के बारे में हमारा यह मानना है कि जेपीसी के जो रिकमेंडेशन है वो परस्यूसिव होते हैं, मतलब जो जेपीसी रिकमेंड करती है मोर और लेस सरकार को उसको मानना चाहिए या सरकार उसको मानती है। और मैं आज यही रिपोर्ट लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे यहां जो दुविधा है, कई एक दुविधाएं हैं सर, और उन लोगों ने 1969 में क्या सोचा और आज भी हम लोग कितने परेशान हैं। हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आगे बढ़ाने की बात करते हैं हमेशा, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी MP हो, हम शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेंगे, हम शेड्यूल ट्राइब के लिए करेंगे, हम दलित के लिए करेंगे, पिछड़े के लिए करेंगे, महिला के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है सर, हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनके एक एरिया में कन्फाइन कर दिया है, एक राज्य में कन्फाइन कर दिया है। आज यदि बिहार का आदमी महाराष्ट्र नौकरी करने के लिए जाता है और अपने फादर के साथ यदि वो उसको रिजर्वेशन के आधार पर वो नौकरी लेता है और वो महाराष्ट्र में बस जाता है, तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा सर। क्या यही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम भला कर रहे हैं कि उनको एक राज्य में हम कन्फाइन कर दे रहे हैं? और उस वक्त ये समझते थे वो लोग, कमिटी के लोग, और मैं उसके केवल 2 रिकमेंडेशन पढ़ना चाहता हूं इस हाउस में, कि 53 साल के बाद भी इस जेपीसी की रिपोर्ट के बाद हम लागू नहीं कर पाए। और आज समस्या है सर, हमारे यहां के कई एक MLA ऐसे हैं जिनका कि वो शेड्यूल कास्ट के आधार पर जीत कर आते हैं और उनके खिलाफ माहौल बन जाता है। कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, आसाम के चाय बगान के लोग जो संथाल है सर, हमारे यहां के लोग हैं, वो रो रहे हैं इतने वर्षों से कि उनको नहीं मिला, उसके लिए कमिटी बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए चिंतित है। लेकिन मैं उसके 2 रिकमेंडेशन पढ़ना चाहता हूं कि हमने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने यदि नहीं किया और अपने को क्या करना चाहिए। 2 बड़े ही अच्छे रिकमेंडेशन है उनके से। पहला रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि एट प्रेजेंट इफ ए शेड्यूल कास्ट पर्सन बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर स्टेट migrates to some other state, he will not be treated as a scheduled caste unless his caste is included in the list of scheduled castes of the state to which he has migrated. The committee feel that this entails hardship and is also not equitable in as much as the member of the scheduled caste continues to suffer from the various disabilities arising out of the traditional practice of untouchability. His economic and social status does not necessarily improve my migration and he still needs special assistance. The committee have therefore inserted a provision to the effect that a member of scheduled caste who migrates to another state will continue to be treated as a scheduled caste of the state to which he has migrated. आज क्या है सर? Because it is state specific. आज क्या है? इसका मतलब यह है कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि IAS बने, IPS बने, उनके बच्चे जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम तो उनको एक सीमा में बांध के रखना चाहते हैं। ये किस तरह चाहते हैं सर? इस पार्लियामेंट को यह सोचने का सवाल है। और दूसरा जो मेन रिकमेंडेशन है, जिसके लिए कि मैंने अभी कल मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था और कई एक लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं, एक शेड्यूल कास्ट अनटचेबिलिटी है, उसका जो मेन विषय है वो अनटचेबल है।
अनटचेबिलिटी के कारण ही उसको हमने अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दिया। अनटचेबल इन ऑन पर्टिकुलर स्टेट मे नॉट बी अनटचेबल इन अनदर स्टेट। हमेशा होगा सर, हमेशा होगा। मैं कास्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहता। अनटचेबल अनटचेबल है सर। जब उसकी शादी होने लगेगी तो पूछा जाएगा कि उसके बाप दादा कहां थे, और पता चलेगा कि वहां वो शेड्यूल कास्ट था। तो मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि मतलब इतना होने के बावजूद भी तो भी मन में कहीं ना कहीं फीलिंग होगी कि ऐसा कैसे हो गया, हम उसके साथ शादी करें कि नहीं। वो जो उसके साथ लगा हुआ है वो लगा रहेगा सर। दूसरा जो कहा उन्होंने कहा कि द कमिटी ऑल्सो कंसिडर्ड, मुंडा साहब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन एज टू वेदर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब शुड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल ट्राइब आफ्टर कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन। ये मैंने कहा सर, ये कांग्रेस के ही लोग, मैक्सिमम जेपीसी तो उन्हीं की थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के चेयरमैन थे। ये यूनेनिमस डिसीजन है सर, और कमिटी का जो फाइनल जजमेंट है वो मैं कोट कर रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब शुड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल ट्राइब आफ्टर कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन अदर देन ए ट्राइबल रिलीजन। द कमिटी आर ऑफ द ओपिनियन दैट नो पर्सन हु हैज गिवन अप द ट्राइबल फेथ और फेथ एंड हैज एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शुड बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। अमेंडमेंट टू शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स हैव बीन मेड अकॉर्डिंगली। ये 1969 की ये रिपोर्ट है। आज भी हम 341 342 चिल्लाते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए हमने ये कह रखा है कि यदि आप जैन बौद्ध और सिख जो इंडियन धर्म है उसको छोड़कर यदि आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट होंगे तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देंगे। शेड्यूल ट्राइब में हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के एक नेचर के आधार पर हमने दिया हुआ है। जैसा ही वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कबूल कर लेते, और मैं उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं। साहबगंज मेरा बगल का जिला है सर, उसकी महिला जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर वहां की जिला परिषद की चेयरमैन है, उसके बच्चे मुसलमान है, उसका हस्बैंड मुसलमान है, तो उसका सारा जो फेथ है वो फेथ बदल गया, उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है उसके आधार पर। और जब ये कहा गया, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो दो नोट ऑफ डिसेंट आए उसमें एक सुंदर सिंह भंडारी जी का भी है। हमारी सरकार थी, मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, एक तो उन्होंने लिखा कि आसाम के चाय बागान के जो लोग हैं इतने दिनों से वो परेशान है, और जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसके आधार पर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा कि जनजाति का जो व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करेगा उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य न माना जाए। प्रवर समिति द्वारा यह निर्णय ले लिए जाने के उपरांत भी सूचियों में कुछ ऐसी जनजातियों वो उपजातियों के नाम रह गए हैं जिनके सभी सदस्य इस्लाम अथवा ईसाई मतावलंबी हैं, उन नामों को सूची से हटा देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की सरकार ने उस वक्त ये नहीं माना। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं जिस चीज के लिए हूं, घटवार, घटवाल और खेतौड़ी हमारे यहां की ये जातियां हैं जो 1935-36 का जो कोर्ट किया मैंने ब्रिटिश शासन का, वो ब्रिटिश शासन में वो शेड्यूल ट्राइब थे। जब 1950 में इसका नोटिफिकेशन होने लगा तो घटवाल, घटवार और खेतौड़ी जो है वो बाहर रह गए, इससे एक्सक्लूड हो गए। इसके लिए मैंने आपको जैसे कहा कि कोई ऐसा सेशन नहीं रहा जबकि मैंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। 2014 में एक कमिटी बनी, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन शेड्यूलिंग ऑफ ट्राइब्स एंड मैंडेट रिलेटेड टू, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद वो रिपोर्ट ऋषिकेश पांडा कमिटी की रिपोर्ट है, जिसके लिए कि स्टेट के भी लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन के भी लोग, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के भी लोग, ये सारे लोग उसके मेंबर हुए, और उसने जो है अपना रिकमेंडेशन दिया सर। और इस रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि कई एक ऐसी जातियां हैं इस देश में जिसका कि हिस्टोरिकल ओमिशन हो गया है, जिनका कोई कारण ना कालेलकर कमेटी ने उनको हटाया, ना लोकुर कमेटी ने हटाया, ना चंदा कमेटी ने उनको हटाया, ना जेपीसी ने उनको हटाया, ना किसी राज्य सरकार ने उनको हटाया, ना केंद्र सरकार ने हटाया। लेकिन कई एक ऐसी जातियां हैं, उसमें हमारे यहां की घटवार और खेतौड़ी जाति जनजाति है सर, जो जनजाति थी, क्योंकि उसमें जो कास्टेयर की किताब को इस किताब में जो कोट किया गया है, इस टास्क फोर्स की किताब में 1872 का ऑर्डर है सर कि 1790 तक जहां संथाल पड़ा से मैं आता हूं वहां एक भी संथाल नहीं था, लेकिन आज मेन आदिवासी जो है संथाल माना जाता है, जबकि कास्टेयर साहब ने कहा कि असली जनजाति वहां घटवार, खेतौड़ी और पहाड़िया जनजाति के लोग थे।
यदि आप एरिया स्पेसिफिक ही कर रहे हैं, शेड्यूल स्पेसिफिक ही कर रहे हैं, तो जिन लोगों का हक वहां था और जिन लोगों के हक को लोग मार रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां कन्वर्सन का यह परिणाम है, ये इस्लामीकरण का यह प्रमाण है कि जो आदिवासी हमारे यहां 27% हुआ करता था झारखंड में, आज वो 26% हो गया। यही कारण है कि पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो एक लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट शेड्यूल ट्राइब की कम हो जाती। इस कारण से सरकार ने यह माना, और यह फैक्ट है कि शेड्यूल ट्राइब का जो है सीट वो घटना नहीं चाहिए। तो जो संख्या घट रही है, जो असली जेन्युइन आदिवासी हैं, उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। जो ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल ओमिशन है, उसको इंक्लूड करके एक कॉम्प्रेहेंसिव बिल आपको लेके आना चाहिए, जिससे कि हम जो न्याय देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, खासकर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के हमने आदिवासियों को सम्मान दिया है। आप ही का 2 बार का रिकमेंडेशन है, एज मुख्यमंत्री आप ही ने उसको रिकमेंड करके भेजा है, उन जातियों को इंक्लूड करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।